नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, समस्या कोर्ट में लंबे केस चलने की बहुत गंभीर है। हम पूरी कोशिश करते हैं, लीगल लीगल हमेशा इस तरह की एजुकेशन स्प्रेड आउट करने की कोशिश करता है कि आप लंबी प्रोसीडिंग से बच पाए, एक लंबी समस्या से बच पाए। इसी में एक कवायद जो है बकायदा आज के इस जजमेंट की भी रहेगी। और मान के चलिए कि अगर आप अवेयर हैं तो कहीं ना कहीं न्याय तो आपके लिए ही बैठा है। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो जो जातियां आपके साथ हो रही हैं, इस वीडियो को देखते वक्त आप आह भर के रह जाएंगे इस वीडियो के साथ। और अगर आप जातियों से लड़ने के अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं तो खुद के स्किल्स को डेवलप करने की हिम्मत तो आपको दिखानी ही पड़ेगी, वरना जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे और ये केसेस लंबे चलते रहेंगे। आज इसी तरह का एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइंस के साथ जारी किया है, और इसके अंदर मजे की बात यह है कि ये किसी एक सिंगल बेंच द्वारा या डबल बेंच द्वारा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसके अंदर 5 जजों की बेंच थी, उन 5 माननीय सदस्यों ने बकायदा इस तरह का शानदार मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लैंडमार्क जजमेंट दिया। इसको समझने की जरूरत है, क्या फायदा हो सकता है, आपके केसेस किस तरह से जल्दी खत्म हो सकते हैं, एक टूटती हुई शादी आपके लिए कितनी खतरनाक है, एक डूबी हुई एक मरी हुई शादी आपके लिए कितनी खतरनाक है, और उससे निजात कैसे पाई जाए। आज का ये जजमेंट इसी की बात करता है दोस्तों। इसीलिए हम चाहते हैं आप एजुकेटेड हो, आप अपने स्किल्स को डेवलप करें, और इसीलिए एजुकेटेड हो जाइए हम चाहते हैं। इसके लिए कोर्सेस चलाते हैं, कोर्सेस के अंदर हम आपको गाइड करते हैं प्रैक्टिकली, और आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के ऊपर नजर रखते हुए हमारी टीम मदद करती है आपको अपने केसेस से जल्दी बाहर आने के लिए। आपको गाइड करते हैं, अलग अलग तरीके के जितनी भी जरूरतें हैं वो आपके कोर्ट के केस के अकॉर्डिंग पूरी होती हैं। आपसे पहले जितने भी लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन किए हैं वो अब काफी हद तक अपने केसेस में मजबूत हैं या बाहर आ चुके हैं, और जिन लोगों ने भी रिसेंटली अपना कोर्स ज्वाइन किया है वो काफी कॉन्फिडेंट है। क्यों? घबराहट नहीं है, केसेस के अंदर सोल्यूशन बहुत क्लियर मिल रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, इन्हीं लोगों की तरह अपने केसेस में एक अल्टीमेट रिजल्ट चाहते हैं, तो यहां पर इस तरह की एजुकेशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, और सारी डिटेल्स देके कोर्स की और फिर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर किसी कानूनी समस्या में फंसे हुए हैं, समाधान चाहते हैं और मुझे इस समाधान का हिस्सा बनते हुए देखना चाहते हैं, यानी कि मैं आपका सहयोग करूं, तो इसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक होता है, उसके बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा और उसके बाद आपसे बात होगी। जो भी दिया हुआ टाइम है उस वक्त मेरी कॉल आएगी। उस तरह से देखिए, सबसे जरूरी चीज जब मैं आपको आगे कहीं लेके जाऊं तो एक वर्ड यहां पर बहुत स्ट्रांगली सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर खुलकर आया सामने, वो है इररिवर्टेबल मैरिजेस, यानी कि इररिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिजेस। ये क्या चीज है? इररिवर्टेबल को हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये जो चीज होती है इसका मतलब है अपरिवर्तनीय या अचल, यानी कि जिसका जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो ब्रेकडाउन हो चुका है, जो टूट चुका है, अब उसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता कि वो टूटे हुए को जोड़ना उसका परिवर्तन है, जुड़ जाए वो। तो यानी कि शादी जो है किसी भी हालत में अब आगे नहीं बढ़ सकती, इसकी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। अगर आप कोर्ट के सामने क्रूअल्टी के ग्राउंड पे या किसी भी तरह से ये चीज साबित कर देते हैं तो आपको किसी भी लोअर कोर्ट में केस लड़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 142 जो संविधान का अनुच्छेद है, 142 आर्टिकल 142, इसके तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप दोनों पति पत्नी म्यूचुअली जा सकते हैं, और या फिर आप सेपरेट भी जा सकते हैं अगर आप इस तरह की संभावनाओं को बकायदा कोर्ट के सामने पेश करके सबूतों के साथ दिखा सकते हैं, या तो क्रूअल्टी हो रही है या फिर ये डेड है ये पूरा रिलेशनशिप। जैसे कि आपने बहुत मनाने समझाने की कोशिश की, पति हो या आप पत्नी हो, पर आपके पति या पत्नी जिससे भी आपके से संबंध है वो नहीं मान रहे हैं। जब आपके स्पाउस नहीं मान रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर नहीं मान रहे हैं, उसके बाद आप एक लंबे गैप को जी रहे हैं, तो ऐसी मरी हुई शादियों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा लंबा खींचने से क्या मतलब है, कि कहने के लिए शादी रह गई, होने के लिए नहीं है। यानी आप कोहैबिट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप साथ में नहीं रह रहे हैं, सहचर्य नहीं कर रहे हैं।
और एक लंबा टाइम आपका निकल चुका है, इसमें जितनी मनाने समझाने की कोशिश हो सकती थी की जा चुकी है, तो इन सब संभावनाओं को लेकर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर भी अपने लिए बकायदा न्याय मांग सकते हैं। आप दोनों पति पत्नी भी जा सकते हैं, इसमें आपका कूलिंग पीरियड हट जाएगा, जिसमें जनरली लोअर कोर्ट्स कई बार कह देते हैं नहीं नहीं आप कूलिंग पीरियड तो लीजिए, जबकि ऐसी पहले भी कई बार जजमेंट आ चुके हैं जिसके अंदर कहा गया कि कूलिंग पीरियड तो लगाया ही नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी लगा दिया जाता है। तो उससे बचने के लिए यह रास्ता निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आगे समझाया कि इसका फायदा क्या मिल सकता है। इसका फायदा यह मिल सकता है दोस्तों कि कई बार आपकी शादी बहुत लंबी चल चुकी मगर आप बहुत तलाक के लिए नीचे कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए एक आशा की उम्मीद की किरण है कि उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसमें भी यही हुआ था कि 1994 से पति पत्नी सेपरेट थे, उसके बाद 95 में रिश्तेदारों की बातचीत से, आपसी समझाइश से वापस एक साथ रहने लगे, पर ज्यादा लंबा नहीं रहे। उसके बाद किसी ने किस पे केस लगाया, पत्नी ने भाई पे केस लगाया, भाई के ऊपर केस लग गया, पति के ऊपर लग गया, देवर के ऊपर लग गया, दोनों जेल चले गए। ऐसे पता नहीं कितने इनके आपस के झगड़े चलते रहे और अभी तक 23 तक यानी 2023 तक ये लोग लड़ ही रहे हैं। 25 साल हो गए, कभी क्या लगा देते हैं, कभी क्या लगा देते हैं। तो ऐसी सूरत में पत्नी पति तो रहे नहीं साथ में, बच्चे उनके हुए नहीं, लड़े जा रहे हैं। एक तो इस तरह का केस जो इस खुद लैंडमार्क जजमेंट का पार्ट था, एक इस तरह का केस कि पति या पत्नी एक दूसरे को पूरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि कोर्ट की लंबी प्रक्रिया में जाना पड़ता है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो आपको फंसा देता है, यहां तक कि मुस्लिम लॉ भी जो है वो आपको फंसा देता है। अब 142 सीआरपीसी को समझ लीजिए, मैं माफी चाहूंगा, आर्टिकल 142 को जो संविधान का है उसको समझ लीजिए, ये कहता क्या है। देखिए ये जो कहता है इसका मतलब समझ लीजिए कि भारत का कोई भी कानून वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि उस कानून के बियॉन्ड जाकर भी वो आपके पक्ष में कोई फैसला दे सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। जबकि जनरली हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो सीआरपीसी, आईपीसी या किसी भी तरह के कानून से बंधा हुआ नहीं है, उसका अपना सिस्टम है, वो अपने तरीके से न्याय की व्यवस्था करता है। इसीलिए उसके लिए फैमिली कोर्ट्स बनाई गई, आपके हिंदू मैरिज एक्ट को अलग से डिफाइन किया गया। पर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इस तरह का वाद लेके जाता है जिसके अंदर उस बकायदा सिद्धांत को, जो न्याय का सिद्धांत बना हुआ है, उसकी पालना नहीं हो रही है, तो आप 142 आर्टिकल के अंदर जाकर बकायदा क्लियर तरीके से सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट डाइवोर्स की जो है गुहार लगा सकते हैं, जबकि आपने पहले डाइवोर्स डाल रखा है या आपके पास इतने क्रूएल्टी के ग्राउंड है कि डायरेक्ट आप ले सकते हैं। देखिए ये क्यों किया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था क्यों की जा रही है, क्योंकि अब हम जिस युग में आ चुके हैं, जिस सभ्यता में आ चुके हैं, वहां शादी को चाहकर भी एक संस्थान, एक इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता, क्योंकि लोगों के मन में भाव नहीं है। अब मैं इसके अंदर ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है पर्सनली, कि ऐसा लोगों के मन में भाव नहीं है। खासतौर से हिंदू संस्कृति जो है वो शादी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानती है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है या मुस्लिम्स में होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस होती हैं, क्रिश्चियंस में कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस होती हैं, पर यहां पर भी मैरिजेस जो है दिल से और दिमाग से तो कॉन्ट्रैक्चुअल ही है हिंदूज में, सिर्फ एक हमारी जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं हिंदूज की, इसकी वजह से ये सोच लेते हैं कि शादी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, इसको मेंटेन किया जाते रहना चाहिए, ये बिगड़ना नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अब मुद्दे की बात आती है कि क्या इसमें वो सब चीजें वैसे ही होंगी जैसे जनरल तलाक होता है। जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे जनरल तलाक होता है, जिस तरह से आप जनरल तलाक लेने जाते हैं और कोर्ट के अंदर आपकी बात उसी तरह से सुनी जाएगी जिस तरह सब कुछ होता है। एलिमिनी मेंटेनेंस भी आपके ग्राउंड्स देखकर किए जाएंगे, अगर मान लीजिए आप क्रूरता के आधार पर तलाक ले रहे हैं और आप साबित कर पा रहे हैं क्रूरता, तो फिर एलिमिनी मेंटेनेंस को शायद इग्नोर भी किया जा सकता है। मगर फायदा सिर्फ इतना सा है कि आपको लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, आप आसानी से इन केसेस से बाहर आ सकते हैं, खासतौर से जब आप झूठा केस फेस कर रहे हो, क्रूरता के सारे आधार लेकर लोअर कोर्ट्स में लड़ रहे हैं, दो दो तीन तीन चार चार साल पांच पांच साल तक आप लड़े जा रहे हैं, पत्नी या तो डेट्स पे आ नहीं रही है या पत्नी डेट्स पे आ भी रही है तो फिर वो कोई सबूत नहीं दे रही है, बस वो बस बार बार उसमें डिसमिसल डाल देती है, एडजॉर्नमेंट डाल देती है, कभी क्या कर देती है। तो अगर ऐसी सूरत है या आपका मान लीजिए कि तलाक जो है वो डिसमिसल पे डाल दिया कोर्ट ने, जबकि आपकी पोजीशन थी नहीं कि आप उसके अंदर जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें मिलाकर आप आसानी से इस केस से बाहर आ सकते हैं। किसी भी तरह से अगर आप सही साबित होने की पोजीशन पर हैं और किसी भी तरह से सामने आपका स्पाउस जो है, आपका लाइफ पार्टनर जो है, वो गलत है और गलत ही कर रहा है, कानून और नियमों का
तोड़ मरोड़ के फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है लोअर कोर्ट्स में, तो इस तरह की चीजों से निजात पाने के लिए आप जा सकते हैं। फ्रेश केस डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल फ्रेश केस भी डाल सकते हैं, बशर्ते कि आप क्रूअल्टी के ग्राउंड्स प्रॉपरली समझा सकें, तभी आपकी पिटीशन जो है वो रजिस्टर्ड होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, कई लोग फ्रेश केसेस के लिए हर कोई जाने लग जाएगा, तो ये बिल्कुल मत सोचिए, हर केस नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 142 के अंदर। अगर आपको जाना है तो बकायदा आप तथ्य और जो आधार लेके जा रहे हैं वो बहुत ठोस और मजबूत होने चाहिए, अन्यथा उम्मीद जगाने के बाद भी आप मुंह की खा के आ सकते हैं। तो इस बात को भी एक चेतावनी की तरह लीजिएगा, समझ कर जाइए कि कौन लगा सकता है कौन नहीं लगा सकता है। इसके अंदर जरूरत वही है कि या तो जिसका मैटर बहुत लंबा चल गया है, कोई शादी की संभावना नहीं है, पत्नी आने की कोई बात नहीं कर रही, पति साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, दोनों ने बस लड़ाई लड़नी है कानून की, उन लोगों के लिए है, या फिर क्रूअल्टी के स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं मगर लोअर कोर्ट्स आपकी बात नहीं सुन रही है, आप डायरेक्ट जाकर फिर इस तरह से अपना रिश्ता खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। यानी शादी को किसी भी तरह से अगर आप डेड रिलेशनशिप की बात की तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो डेड रिलेशनशिप की पोजिशन पर आप बकायदा अपने लिए ये राहत ले सकते हैं। दोस्तों मैंने काफी ज्यादा कोशिश की कि समझ में आ जाए ये मैटर आपको, फिर भी इसमें काफी चीजें हैं जो मैं खुद भी जानता हूं कि अभी तक मैं इस वीडियो में उतना डिलीवर नहीं कर पाया हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी आपके लिए संभावना व्यक्त करती हैं कि आप आसानी से डाइवोर्स ले सकते हैं इस जजमेंट के थ्रू। इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में, समझ लीजिएगा, फिर भी जरूरत पड़े तो हमसे भी संपर्क करके बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने जैसे लोगों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमेशा देखते रहते हैं फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट सेक्शन में आज के इस वीडियो की कुछ टिप्पणी जरूर करके जाइएगा कि आप अपने लिए इसको किस तरह से फायदेमंद समझते हैं इस जजमेंट को।